बजरंग दल ने पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके के बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर पद संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और क्षेत्र में मार्च भी निकाला। कार्यक्रम में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि बजरंग दल ने अपने स्थापना के 37 सालों में जो देश और धर्म सेवा का काम किया है, उस कार्यों को स्मरण करने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए पद संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवाओं में वीरता और साहस बढ़ाने का कार्य बजरंग दल कर रहा है। बजरंग दल ब्लड डोनेशन कैंप जैसे सेवा कार्यों में भी जुटा हुआ है। इस कार्यों को बजरंग दल और विस्तार देगा। विनोद बंसल ने कहा कि बजरंग दल ने यह फैसला लिया है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल ने जो पथ संचलन का कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है, बजरंग दल को आज 37 वर्ष हुए हैं लगभग, उस 37 वर्षों में बजरंग दल ने अनुशासन और देश धर्म के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को स्मरण करते हुए आज CDS बिपिन रावत जी को भी श्रद्धांजलि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी है। देखिए, बजरंग दल ने अभी ठाना है कि हम कल से देशव्यापी धर्मांतरण के विरुद्ध युद्ध का एक संघनाद कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता जुटेंगे, घर घर जाएंगे और जगह जगह गोष्ठियाँ और गृह संपर्क अभियान, इनके माध्यम से पूरे देश को जगाएंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी जाएंगे। खासकर वनांचल गिरिवासी और वनवासी क्षेत्रों में हम लोग इस कार्यक्रम को सघनता के साथ करेंगे और इनकी पोल खोलेंगे। बजरंग दल के पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान और दीपक सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली में बजरंग दल के कार्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नए युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। और ये दीपक सिंह यादव है, ये इस बजरंग दल को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से बनाने वाले हैं। और जो अभी अभी हमारे वरिष्ठ ने बोला है, उनके पदचिन्हों पर चलकर ये इस काम को पूरा करेंगे। दीपक जी, आपने कार्यभार संभाला है, तो क्या आप अपने बजरंग दल को कहां तक लेकर जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे आप इसमें? बजरंग दल के सारे काम करेंगे, जो बजरंग दल के सारे काम हैं, और बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे।